हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एजुलॉजी इंडिया। तो आज हम करेंगे 25 दिसंबर की करंट अफेयर्स, 25 दिसंबर के। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज सीएनजी बस हैज बीन लॉन्च बाय विच कंपनी। तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो भारत की पहली सीएनजी बस है उसकी शुरुआत हो गई है। तो हमें बताना है कि किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। तो ये है आईजीएल ने, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। और जो इसको लॉन्च किया था वो किया था हमारे देश के पेट्रोलियम प्रधानमंत्री, सॉरी मंत्री, इनका नाम क्या था, धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी। और जो फ्रेंड्स ये बस है, ये 1000 किलोमीटर चलेगी एक फिल्म में। मतलब जो एक बार ही फिल कर देंगे हम गैस, तो ये 1000 किलोमीटर चलेगी। इसका ऑफरन किया है इन्होंने दिल्ली में। नेशनल कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन विच डेट। तो हमें बताना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। फ्रेंड्स ये मनाया क्यों जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो ग्राहक होते हैं, कंज्यूमर हैं, उनको जागरूक किया जा सके, उनको अवेयर किया जा सके कि जब आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो उसका बिल लेना है, कभी भी एमआरपी से ज़्यादा कोई पैसा नहीं देना। इस तरह की कुछ बातें हैं जो एक ग्राहक को याद रखनी चाहिए। और इसका जो स्लोगन है वो है जागो ग्राहक जागो। ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, नेशनल कंज्यूमर राइट डे। नेक्स्ट वन इज नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। तो मैं बताना है कि राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये किया गया नई दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था ये, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अब ये चल रहा है, ये 25 से 29 तक, दिसंबर तक है। तो ये आप देख सकते हैं फोटो में, और ये 11th स्ट्रीट फर्स्ट फूड फेस्टिवल है फ्रेंड्स ये। और ये फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज किया था FSSAI ने, जिसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो इनकी प्रेजेंट हेड है वो है मिसिज रीता तिवरिया, रीता तिवरिया। FSSAI ने ऑर्गेनाइज किया था और इसकी हेड है रीता तिवरिया। ऑक्सीजन पार्लर हैज बीन ओपन एट विच रेलवे स्टेशन। तो हाल ही में ऑक्सीजन पार्लर ओपन किया गया, वो बताना हमें किस शहर में ओपन किया गया। अब फ्रेंड्स ऑक्सीजन पार्लर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिए, इसका अर्थ ये है कि वहां पर उन्होंने पेड़ पौधे काफी लगाए, एक गार्डन सा बना दिया स्टेशन के ऊपर। तो ये किया है नासिक में, नासिक में, नासिक कहाँ है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में, नासिक में किया है। Who has been awarded with prestigious Army Design Bureau Excellence Award for Indigenously Developing स्वतंत्र कवच। तो हमें बताना है कि जिसने स्वतंत्र कवच का डिजाइन किया है उसको अभी अभी अवार्ड मिला है डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस का। तो मैं बताना है कि वो कौन है, तो वो है मिस्टर अनूप मिश्रा जी, अनूप मिश्रा जी। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा ये स्वतंत्र कवच है क्या, ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है फ्रेंड्स, बुलेट प्रूफ जैकेट है। इन्होंने ये बनाई है, अनूप मिश्रा जी ने, ये आर्मी में ही है। और जो हमारे आर्मी के हेड है मिस्टर बिपिन रावत जी, उन्होंने ये इनको अवार्ड दिया है इस जैकेट के बनाने के लिए। तो इस जैकेट का नाम क्या है, सर्वत्र कवच। ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज इरोड वेंकटप्पा रामसे डाइड ऑन 24 दिसंबर, ही वाज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। तो हाल ही में इनका निधन हो गया, तो मैं बताना है कि ये कौन से आंदोलन से संबंधित है। तो ये थे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट फ्रेंड्स। इनका एक और नाम था, इन्हें परियार भी कहते थे, परियार, परियार आप देख सकते हैं, परियार भी बोलते थे। और इनको मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु। इन्होंने तमिलनाडु के लिए बहुत अच्छा काम किया है और इनका काफी नाम है। और इनका हाल ही में निधन हो गया, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप ये याद रखना। Who were named as a tennis federation world champions? तो फ्रेंड हमें बताना है कि टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियंस किसको मिली है। तो ये मिली है एशले बार्टी एंड राफेल नडाल को। ये आप पिक्चर में देखते हैं, ये हैं एशले बार्टी जी और ये हैं रेफरी राफेल नडाल। तो फ्रेंड्स मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जो एशले बार्टी जी हैं ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। और ये इनकी आयु काफी छोटी है, इन्होंने इतनी छोटी उम्र में काफी उपलब्धि हासिल कर ली है। इनकी आयु मात्र 23 साल की है, 96 का बर्थ है इनका। और जो नडाल जी हैं ये स्पेन से हैं,
स्पेन, जिसकी कैपिटल है मैड्रिड, मैड्रिड। और इस साल जो फ्रेंच ओपन था वो भी एशले बार्टी जी ने जीता था, सिंगल्स का, वुमेन्स का, एशले बार्टी। नेक्स्ट वन इज, हु वाज द ओल्डेस्ट वोटर ऑफ 2019 लोकसभा इलेक्शन दैट रिसेंटली डाइड। तो हाल ही में इनका निधन हो गया, तो मैं बताना है कि इनका नाम क्या था। ये सबसे बुजुर्ग वोटर थे भारत के, तो इनका नाम था बच्चन सिंह जी। ये दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में इनका देहांत हुआ है, बच्चन सिंह जी। अभय, पायलट इमरजेंसी ड्रॉप होम सर्विस फॉर स्ट्रैंडेड वुमेन हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट। तो मैं बताना है कि आपातकालीन अवस्था में महिलाओं के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है, उसका नाम है अभय, और ये कौन सी स्टेट ने की है, ये की है तमिलनाडु ने, तमिलनाडु ने। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी। तो हमें बताना है कि अगले विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है हर्षवर्धन सिंगला, जो ये कार्यभार संभालेंगे, ये संभालेंगे अगले साल से 20 जनवरी 2020 तक, 20 से संभालेंगे। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, मौजूदा में ये हमारे इंडिया के एम्बेसडर हैं यूएस के लिए, यूएस के लिए, यूएस के लिए। 8 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेटेजिक टनल अंडर द रोहतांग पास इन J&K टू बी नेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो सरकार ने इस सुरंग का नाम चेंज कर दिया है, तो मैं बताना है कि नया नाम क्या रखा है। तो ये रखा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, अटल टनल के नाम से रखा है, अटल बिहारी वाजपेयी। विच मार्केट रेगुलेटर हैज साइंड अ बायलेटरल MOU विद कजाकिस्तान बेस्ड अस्ताना फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल कॉरपोरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस। तो हमें बताना है कि किस मार्केट रेगुलेटर ने म्यूचुअल कॉरपोरेशन को साइन किया है, इसके साथ अस्ताना फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। तो ये जो फ्रेंच फाइनेंशियल सर्विस है कजाकिस्तान की है, कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान की जो पहले कैपिटल थी वो थी अस्ताना, बट अब चेंज हो गई है, और वो इन्होंने अपने पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखी है, नूरल, नूरल ये नई कैपिटल है। आप ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और जो कजाकिस्तान है सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है, विश्व की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब लैंड लॉक्ड फ्रेंड्स क्या होता है, लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि जो कंट्री के आसपास कोई भी समुद्र नहीं होता, चारों तरफ कंट्रीज ही होती है, मतलब कोई भी समुद्र नहीं होगा, चारों तरफ क्या होगा, कंट्रीज होंगी। सबसे बड़ी कजाकिस्तान है, और दूसरे नंबर पर कौन सी है, मंगोलिया। ये मंगोलिया आपको मैं आपकी पुरानी वीडियोज में करा चुका हूँ, जिसने मंगोलिया कंट्री के बारे में काफी जानना है तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरा मंगोलिया विस्तार में बताया उसमें। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है सही सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो इसके हेड है वो है हमारे अजय त्यागी जी, अजय त्यागी जी, और आरबीआई के श्रीकांत दास जी, और एक्सिम बैंक इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, इसके हैं मिस्टर डेविड जी, और नाबार्ड के हैं हर्ष भानवाला, हर्ष फानवार। और जब नबार्ड की फुल फॉर्म की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और एक्सिम की होती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अपने फ्रेंड्स सारी बातें ध्यान रखनी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन इज, DNA एनालिसिस सेंटर हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में DNA विश्लेषण केंद्र का विस्तार किया गया, तो मैं बताना है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। जितने भी फ्रेंड्स जो फोरेंसिक सीन्स होते हैं, जैसे कोई मर्डर हो गया या कुछ आपातकालीन घटना हो गई, तो यहाँ पर फोरेंसिक लैब बनाई गई है चंडीगढ़ में, और ये आने वाली और स्टेट्स में बनाई जाएगी ताकि जो केस है जल्दी सॉल्व हो सके। फ्रेंड्स जी मैंने कुछ स्ट्रेटजी के क्वेश्चन लिए हैं आज, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, और जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सारे एग्जाम में पहले रिपीट हो चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम में इसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल। तो मैं बताना है कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं ईच साइड, तो ये होते हैं 5। इन विच ईयर डिड सर एडमंड हिरली रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये कौन थे, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने क्लाइम किया, जो चढ़े थे, और इनका जो संबंध था वो था न्यूजीलैंड से, ये न्यूजीलैंड से थे फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड से। और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये गए थे सन 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। फ्रेंड्स ये अकेले नहीं चढ़े थे, इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था शेरपा तेंजिंग नोरगे, शेरपा
तेंजिंग नोर्गे, और जो ये फ्रेंड्स व्यक्ति थे ये थे नेपाल के, नेपाल, और ये गए थे 29 मई 1953 को, 30 मई 1953 को गए थे माउंट एवरेस्ट पे। आपने फ्रेंड्स दोनों नाम ये ध्यान रखने हैं, एडमुंड हिलरी ये न्यूजीलैंड से थे, शेरपा टेंजिंग नोर्गे ये नेपाल से थे, और ये 29 मई 1953 को इन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट पे। लास्ट क्वेश्चन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज लोकेटेड एट विच स्टेट, तो हमें बताना है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान किस स्थान पर स्थित है, वो ये फ्रेंड्स है देहरादून में। देहरादून कहाँ है फ्रेंड्स? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स आपको पता है जैसे हम रोज एक कंट्री करते हैं, तो जो हमारी आज की कंट्री है वो इथोपिया, इथोपिया ये फ्रेंड्स अफ्रीकन काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, ये एग्जाम में अक्सर इसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी कैपिटल की, कैपिटल इसकी अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, और जो करेंसी है वो है बीर, बीर करेंसी है इसकी इथोपिया की। फ्रेंड्स एक लैंडलॉक कंट्री है, जैसे मैंने आपको बताया लैंडलॉक कंट्री क्या होती है, पहले ही बताया था मैंने, जिसके आसपास कोई समुद्र नहीं होता। और फ्रेंड मैं एक और बताना चाहूंगा, आपने एक लॉन्गेस्ट नदी का नाम सुना होगा रिवर का, नील, 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 तो नील नदी यहीं से बहती है, मतलब इसी कंट्री से होकर गुजरती है। और इस देश में जो नील को कहते हैं वो कहते हैं ब्लू नील, ब्लू नील, और जहां पर जिस स्थान पर ये मिलती है इस देश में उसका नाम है लेक टना, लेक टना, लेक टना। जैसे गंगा को भारत में गंगा ही कहते हैं और बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा, पद्मा, वैसे ही इथोपिया में नील को कहते हैं ब्लू नील, ब्लू नील। और एक होती है ब्लू नील, एक होती है व्हाइट नील। इसमें काफी डिटेल में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि ये काफी डिटेल का टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं आपको कभी फिर कभी कराऊंगा। तो ब्लू नील जो है वो इथोपिया से होकर गुजरती है, और प्लेस का नाम क्या है? लेक टना, लेक टना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये यूपीएससी में काफी बार आया, यूपीएससी में। और आप ये बातें याद रखना, जो कैपिटल है इसकी अदिस अबाबा और करेंसी बीर, अदिस अबाबा और करेंसी बीर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर किया अगर इतना हो सके, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि आपका जो एग्जाम आने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क, सीजीएल आने वाला, आपका सीपीयू आने वाला है, जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं इसमें करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आती है, स्ट्रेटेजी की आती है, उसके लिए मैं काफी भी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।